बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पेपर हैकर में। मैं सूरज राज और आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी छात्र BSc सेकेंड ईयर में है, याद रखना जो भी छात्र BSc सेकेंड ईयर में है, बॉटनी का बेटा थर्ड पेपर है और आप देख रहे हैं यूपी की आल यूनिवर्सिटी के लिए, यूपी की आल यूनिवर्सिटी के लिए एग्जाम 2022 में आने वाले क्वेश्चन। इन ये लगभग मान लीजिए भाई होंगे 15 से 17 या फिर 18 क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों को याद करके आप 85% प्लस लाएंगे। मतलब आपको ये तो पता है कि आपके पेपर में जो आपका पेपर होगा वो लगभग 18 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 14 से 15 क्वेश्चन करने होते हैं। 18 से 20 क्वेश्चन पूछेगा एग्जामर आपके पेपर में और आपको करने कितने होंगे, 14 से 15 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है ना। हर पेपर की बात कर रहा हूं, चाहे वो सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, सभी ध्यान रख लेना मेरी बात को। जो क्वेश्चन बता रहा हूं यही पढ़ के जाना, कुछ और मत पढ़ाना यदि आपको टॉपर बनना है तो। कुछ फालतू नहीं बता रहा भाई, बता रहा हूं तो पेपर में छप रहा है तुम्हारे। यूपी के किसी यूनिवर्सिटी में, आगरा से हो, मेरठ से हो, ठीक है ना, अलीगढ़ से हो, जहां से भी हो कोई दिक्कत नहीं है। आप कह सकते हो एमजेपी आदि रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली से हो, आप बनारस यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी से हो, बनारस में कोई सी यूनिवर्सिटी ले लो, ठीक है, गोरखपुर में ले लो, सिद्धार्थनगर ले लो, राम मनोहर लोहियावत यूनिवर्सिटी ले लो, जिस यूनिवर्सिटी से हो यार, यहां से कोई फेल करने वाला आपको पैदा नहीं है। इन क्वेश्चनों को पढ़ लोगे तो कोई फेल करने वाला नहीं है। बेहतर पढ़ो ना, जो पढ़ो वो पढ़ो जो पेपर में आए, वो मत पढ़ो जो पेपर में ना आए, समझ रहे हो। अच्छा पढ़ो, समझ लो। अब क्या करना है तुम्हें, ध्यान रख लो, अपनी बुक, नोट्स, गेस्ट पेपर जो भी आपके पास है उसको ओपन करिए। ये इन क्वेश्चनों के आंसर आप लेना चाहते हैं तो हमारे नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाके नोट्स को डाउनलोड कर लो, समझ रहे हैं। अब यहां देखो बॉटनी का थर्ड पेपर है, आपके पास बुक, नोट्स, गैस पेपर जो भी है, सीरीज वगैरह मार्केट से जो लेके आए, आप उसमें टिक लगा लो। यदि क्वेश्चन जो जो आपका मिल रहा है उस पर टिक लगा लो, जो एक दो क्वेश्चन यदि नहीं मिल रहा है ना तो उसको छोड़ देना, मत पढ़ो, उसको खत्म करो। उसके जगह पे जो आपका दिल करता है कि यार एक क्वेश्चन ये पढ़ लूं, पढ़ के चले जाऊं, तो चले जाओ, क्या दिक्कत है, और टॉप करके आओ यार। मतलब वो पढ़ो जो पेपर में आ रहा है, समझो बात को यार, कुछ तो समझो। अब देखो क्या कर रहा है, हमें तो पहले क्वेश्चन में टिक लगा देना है। रसारोहण की क्रिया विधि लगा दो फटाफट टिक, रसारोहण की क्रिया विधि के बारे में। उसके बाद में देखो ट्रांस एलिमेंट एंड ट्रेसर एलिमेंट, ट्रेसर को हम माइक्रो एलिमेंट बोलते हैं, माइक्रो तत्व बोलते हैं, ट्रेस को हम मैक्रो मैक्रो, ठीक है, ये होता है माइक्रो, ये होता है मैक्रो एलिमेंट बोलते हैं या फिर तत्व बोलते हैं। इन दोनों को अच्छी तरीके से पढ़ लेना, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा। इसको देखो पौधे में, यहां बोला गया है कि पौधों में भोज पदार्थों के संबंध सिद्धांत के बारे में देख लेना कि पौधों के अंदर जो भोजन बनने की प्रक्रिया होती है, पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, समझ रहे ना, ये देखिएगा। इसका कहने का मतलब है भोजन में भोज, देखो पौधों में भोज पदार्थों के संबंध सिद्धांत के बारे में। उसके बाद में जल, जल संवर्धन क्या होता है, जल संवर्धन के बारे में देख लेना, हाइड्रोपोनिक्स के बारे में जिसे बोलते हैं। नीचे जाओ बेटा, नीचे इस क्वेश्चन को टिक लगाओ, जिसे कहते हैं जल का अवशोषण, मतलब कि पौधे जो होते हैं वो जल को कैसे अब्सॉर्ब करते हैं आपको अपने अंदर, कैसे करते हैं उसके बारे में आपको देख लेना है। अब देखो यहां कह रहा है सक्रिय अवशोषण, दो प्रकार का अवशोषण करते हैं, एक होता है सक्रिय, एक होता है निष्क्रिय, ये दो प्रकार का अवशोषण करते हैं प्लांट, ये दोनों तरीके का पढ़ लेना। विसरण क्या होता है और परासरण क्या होता है, इसकी परिभाषा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में बनेंगी, पढ़ के जाना, समझ लेना मेरी बात को। फिर मत कहना कि मैं फेल हो गया, फिर ये हो गया, फिर कहने की जरूरत नहीं है मुझे, फोन करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि जो बता रहा हूँ वो पढ़ के जानी जाओगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ संघर्ष कर लो, थोड़ी मेहनत कर लो, अच्छे नंबर से पास हो जाओ। बाष्प उत्सर्जन क्या होता है, बाष्प उत्सर्जन दो प्रकार का होता है, एक होता है खुला रंध्र द्वारा, एक होता है बंद रंध्र द्वारा, दोनों पढ़ लेना। प्रकाश संश्लेषण मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको छोड़िए, ये है जैविक बाध क्या होता है, जैविक बाध को पढ़ के जाइए, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पर टिक लगवा रहा हूं अभी, मोस्ट मोस्ट, ठीक है। उसके बाद में देखो एटीपी का निर्माण याद करके जाओ, एटीपी का निर्माण कैसे होता है, एटीपी का निर्माण कैसे होता है। उसके बाद में पौधों में जो पार्विक अम्ल होता है उसका अक्सर, इसको छोड़ दीजिएगा, इसको देखिए C3 प्लांट और C4 प्लांट में अंतर आता है, और सी चक्र, जो C3 चक्र होता है जिसे कैल्विन चक्र बोलते हैं। और देखो श्वसन क्या होता है, श्वसन दो प्रकार से होता है बेटा, दो प्रकार का श्वसन, एक होता है ऑक्सी श्वसन, एक होता है अनोक्सी श्वसन, दोनों प्रकार के श्वसनों को पढ़ लेना है, ठीक है। श्वसन का मतलब होता है सांस लेने की क्रिया कैसे होती है, तो ये पढ़ेंगे। इसको देखो यह है पादप गति, मतलब कि
पादप जो हार्मोन्स होते हैं, जो ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, कि जो कोई प्लांट है, कोई पौधा है, वो कैसे ग्रो करेगा। यदि मान लीजिए वो बौना पौधा है तो उसको कैसे ग्रो करवाएंगे, जैसे कि हम लोग छोटे रह जाते हैं तो कुछ दवाई वगैरह आती है खाने पीने के लिए कि हम लोग प्रोटीन वगैरह यूज करें तो हमारी जो है वो क्या होगी, हाइट बढ़ जाएगी। इसी तरीके से क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन होते हैं पौधे के अंदर, वो कहते हैं वो कौन कौन से हैं जो हम चीज उनका यूज करके, कौन सी दवाई का हम यूज करें कि पौधा छोटा है तो बड़ा हो जाए। तो आप कहोगे वो करोगे जिब्रेलिस का यूज, ऑक्सीन का प्रयोग या फिर इथाइलीन का प्रयोग। ये तीन पॉइंट्स है, ये आपने यहां से दो देखने को मिलेंगे कि भाई इनका बताओ वर्णन कैसे कैसे यूज किया जाता है और प्लांट किस तरीके से ग्रोथ पाता है, ठीक है, कैसे ग्रोथ कर पाता है। ये चीज कार्बोहाइड्रेट्स मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप पढ़ के जाइएगा। प्रोटीन की संरचना को पढ़ेंगे, यहां देखिए पादप बसा के प्रकार गुण के बारे में पढ़ेंगे, पॉलीसेक्राइड पढ़ लेना, पॉलीसेक्राइड्स के बल, ठीक है, नीचे दिखाऊंगा आपको। ये देखिए ये आ गया लिपिड्स क्या होता है और बसा के बारे में, लिपिड्स इज मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में 100% बनेगा। ईसी कोड क्या होते हैं, ईसी कोड को पढ़ लेना है। एंजाइम देखो, एंजाइम एंजाइम के प्रकार में एक आता है कोएंजाइम, और भी एंजाइम आते हैं, एंजाइम का क्लासिफिकेशन करोगे, एंजाइम के बारे में लिखोगे, फिर एंजाइम का एक भाग होता है कोएंजाइम, उसको पढ़ोगे। इंसुलिन के इसको छोड़ दिएगा, जो जो बता रहा हूँ भाई, जो इंपोर्टेंट है पेपर में छप रहा है भाई बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में डीएनए आरएनए में अंतर आप पढ़ेंगे, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, देखो ऊपर था कोएंजाइम, ये है अपोएंजाइम, ये भी अपोएंजाइम जो आप देख रहे हैं ये भी एंजाइम का एक प्रकार है बेटा, ठीक है, इसको पढ़ के जाइए। उसके बाद में आता है देखो परासरण, परासरण दाब क्या होता है, इसको आप पढ़ेंगे, परासरण परासरण दाब के बारे में। न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं और न्यूक्लियोटाइड में, इन दोनों में आपसे अंतर पूछ लेता है, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में अंतर बताओ, क्या बताओगे, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में अंतर को देख लेना है, ठीक है। उसके बाद में नीचे चले जाओ थोड़ा सा और ये खत्म हो गया आपका। बिंदु स्राव क्या होता है, ठीक है, ये है हैच स्केल चक्र, जिसे हम C4 चक्र बोलते हैं, C3 चक्र को गैल्विन चक्र बोलते हैं, C4 चक्र को क्या बोलते हैं, हैच स्केल चक्र। या देखिए अंतः शोषण क्या होता है, इसको आप याद करके जाएंगे, कैम चक्र को पढ़ लेना है। इमर्सन इफेक्ट, इमर्सन इफेक्ट को एक दूसरे नाम से आपसे पूछता है, रेड ड्रॉप क्या होता है, क्या पूछेगा बेटा, इसको दूसरे नाम से हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेड ड्रॉप, ठीक है, रेड ड्रॉप के नाम से भी बोलते हैं इमर्सन इफेक्ट को। यह है मुंज की परिकल्पना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो बॉक्स में बंद कर रहा हूं वही पढ़ना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, बीज अंकुरण क्या होता है, सीड, इनको पढ़ लेना है, फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, फोटो रेस्पिरेशन को पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद में नीचे जाना है और देखो ये मैंने आपको बताया था अभी नाइट्रोजन चक्र के बारे में, इसको पढ़िए, देखो नाइट्रोजन चक्र ऊपर बता चुका हूं इसके बारे में, और देखो ये आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ये वाला, जिसे कहते हैं वस्तुनिकरण क्या होता है, और देखो प्रेथ्वी सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, ऑक्सो एंजाइम को एंजाइम, ये एंजाइम के प्रकार होते हैं बेटा, जो मैंने आपको ऊपर भी बताए थे, और लास्ट में आप जेड डीएनए देखेंगे, जेड डीएनए की संरचना, बीड यहां देखो दे रखा है, बीज डर्मेंसी इन हिंदी, और कार इनकी संरचना के बारे में, मतलब बीज डर्मेंसी को हम हिंदी बोलते हैं, बीज मतलब सीड डर्मेंसी को बोलते हैं, बीज प्रसुप्ति, बीज प्रसुप्ति क्या होता है, इस तरीके से लिखा होगा बेटा, बीज, ठीक है, प्रसुप्ति, प्रसुप्ति, ठीक है, इस तरीके से होगा प्रसुप्ति, ठीक है बेटा, बीज प्रसुप्ति क्या होती है, जिसे हम सीड डर्मेंसी इन हिंदी बोलते हैं, कि हिंदी में वर्णन करो, इस तरीके से पूछेगा इनके कार्य के बारे में बताइए। ये देखो प्रसुप्ति था ऊपर, ये आ गया बेटा दीप्तकालीन क्या होता है, दीप्तकालीनता तीन टाइप की होती है, एक होता है शॉर्ट डे प्लांटो में, लॉन्ग डे प्लांटो में, डेनेचुरल प्लांटो में, ठीक है, इन तीनों टाइप को पढ़ लेना है। और लास्ट में देखो प्रकाश संश्लेषण मैं ऊपर बता चुका हूं, तो यहां नहीं पढ़ना है, ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं लास्ट में, एक क्वेश्चन ये वाला जो देख रहे हैं, ये वाला बीज अंकुरण, ये भी मैं ऊपर बता चुका हूं, ये भी नहीं पढ़ना है, ये देख रहे हैं ना ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, ये आपको देखने को मिलेगा। और ये देख रहे हैं ना क्रैप्स चक्र, क्रैप्स साइकिल के बारे में, ये था 2022 में आने वाले क्वेश्चन। यदि आप 85% प्लस की बात करने वाले हैं, सोच रहे हैं कि 2022 में मैं टॉपर बनूं, तो बेटा पेपर हैकर को अभी सब्सक्राइब कर लो, और जो बताया है वही पढ़ो, बाकी कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, आप 100% यही आएगा पेपर में, बाकी कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। और आप जब पेपर दोगे ना तो देखोगे कि पेपर हैकर में जो बताया वही आया है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, और ज्यादा से ज्यादा आप दोस्तों को सभी को शेयर कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा बाय बाय।